नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक वो सैलाब जो 24 छात्रों को लील गया, और एक वो सदमे का सैलाब जिसे समंदर की तरह दिल में समाकर अब बच्चे वहां से निकल रहे हैं। जी हां, अन्य छात्र जो उनके साथी थे अब वापस घर के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने भारी मन के साथ ये तमाम छात्र निकल रहे होंगे। इस बीच आपको बता दें, एविएशन मंत्री उन्हें लेकर, नागरिक उड्डयन मंत्री वहां से लेकर निकल रहे हैं। ये है तस्वीरें। इन छात्रों ने अपने साथियों को खोया है। अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कितना भारी बीता होगा बीता दिन इन पर। अब अपना सामान समेट कर ये वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन अपने साथियों को खोने का जो दर्द है वो जस का तस बना हुआ है। अभी तो सिर्फ 5 शव मिले हैं, यानी 19 ऐसे छात्र जिनके शव तक बरामद नहीं हो पाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की त्रासदी है, किस तरह का हादसा है। हिमाचल के मंडी में ये बड़ा हादसा जिसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो सैलाब जो उन 24 छात्रों को, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है सिर्फ 5 शव मिले हैं, लेकिन बाकियों के भी बचने की बहुत कम उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ वो सैलाब जो दरअसल सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, हूटर नहीं बजाए गए, डैम से नदी में पानी छोड़ते वक्त कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, कोई हूटर नहीं बजा, और इसीलिए 24 छात्र उसके शिकार हो गए। जिंदगी लीलने पर आमादा इन लहरों में उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। और इधर वो छात्र, वो साथी जो अब कुल्लू से रवाना हो रहे हैं, सब मिलकर एक साथ आए थे इस ट्रिप पर, लेकिन अब एक बुरा अनुभव लेकर, अपने दोस्तों को खोने का दर्द लेकर ये छात्र वापसी के सफर पर निकले हैं। तो ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये वो छात्रों के लहरों में इस तरह से बह जाने की तस्वीरें हैं, हिला कर रख देने वाली तस्वीरें। बेशकीमती जिंदगियां प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ब्यास नदी की लहरों में इस तरह से समा गई। जिंदगी खत्म करने पर आमादा इन लहरों में इन जिंदगियों ने अपने आप को खो दिया। लेकिन सवाल यही है, हूटर्स नहीं बजाए गए, कोई जानकारी वहां पर बिलबोर्ड्स के जरिए या फिर बोर्ड्स के जरिए नहीं दी गई कि यहां पर आना, तस्वीर खिंचाना, इन इलाकों में पहुंचना तक आपके लिए बहुत खतरे का सबब बन सकता है, और इसी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। फिर हम आपको दिखा रहे हैं 27 सेकंड कैसे 24 जिंदगियां उसमें बह गई, और दूसरी तरफ उन साथियों के लिए एक बुरा अनुभव, दर्द का सैलाब, क्योंकि अपने सहयोगियों को खोने के गम के साथ वो वापसी का सफर अब तय करने वाले हैं। 27 सेकंड, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि हंसते खिलखिलाती जिंदगियां कैसे गम के सैलाब में बदल गई। तमाम छात्रों के शव इस तरह से पानी में बह रहे थे। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू दरअसल इन छात्रों को लेकर वहां से रवाना हो रहे हैं, उनके घरों तक ले जाएंगे वो। क्या वो जानकारी दे रहे हैं इस पूरी घटना पर? उनके पीछे भी देखिएगा, तमाम छात्र आपको दिखेंगे जिनके साथ वो जा रहे हैं। सुनिए क्या कहना है उनका। Have been exposed to this tragedy, and we would like them to go home, settle, and get back into their routines normally. It is our duty as Indians to help one another,
and that is exactly what we are attempting to do. एक भारतीय नागरिक के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए. हम चाह रहे हैं कि ये वापस लौटें और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम छात्र जिन्होंने अपने सहयोगियों को इस तरह से खोया है वो दर्द भूलें, रूटीन में वापस जाएं और अपने काम पर लग जाएं. ये कहना था नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू का.